Hello dear students, so today we will see about Fisher projection formula and wedge and dash formula. हमें देखना है Fisher projection formula, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे wedge and dash formula. अब ये जो wedge and dash formula है, अगर आप वो ठीक तरह से समझ लोगे तो आपको Fisher projection formula easily समझ में आ जाएगा. ओके सो सबसे पहले देखते हैं हम वेज एंड डैश फॉर्मूला. वेज एंड डैश फॉर्मूला, अब वेज एंड डैश फॉर्मूला किसे कहोगे आपको तो पता है. देखिए ये है, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो इससे पहले भी हम ले चुके हैं. टू क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है टू क्लोरोब्यूटेन. अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो कार्बन आइटम है ये एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है. ओके ये जो कार्बन आइटम है ये एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है. क्यों? अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो वो भी नहीं देख पाओगे. तो आपको दिखेगा और दिखेगा कौन सा, सिर्फ ये.
अगर ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को मैं पूरी तरह से टच करके खड़ा हो जाऊं तो मुझे क्या दिख पाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, तो इतना ही मैं पार देख पाऊंगा। यानी मेरी आंखें फिलहाल के तौर पर जब मैं बोर्ड से सट के खड़ा हूं उस समय पर ये जो है मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही देख पाएंगे। अब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसे देखते किसे कहते हैं? देखिए अब मैं थोड़ा सा इसे इस दर्शन को दूर रखूंगा तो मुझे ये पार्ट दिख रहा है, ऊपर का सरफेस जो है ये दिख रहा है मुझे, लेकिन ये नीचे का सरफेस, ये सरफेस नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ पार्ट ये सरफेस अगर दिख रहा है तो इसे कहते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आपकी आंखें फिलहाल के तौर पर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं ये जो है इसके पीछे जो है, अगर ये जो डस्टर है इसके पीछे जो चौक है, ये चौक भी आप देख पा रहे हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी उस समय को आपकी आंखें जो है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो आप मोबाइल में देख पाते हो, क्योंकि मोबाइल में उस तरह का डिस्प्ले बनाया है। ओके, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन ओरिजिनल नॉर्मल कंडीशन में आप नहीं देख पाओगे अपनी आंखों से। तो हमें अब इसे थ्री डायमेंशनल में अरेंज करना है। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का ये जो फॉर्मूला है वेज एंड डैश फॉर्मूला, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमें अरेंज कर दिखाना है इस बोर्ड पर ही। ओके, अब ओरिजिनली आपकी आंखें तो देख नहीं पाएंगे। ओके, अब हमें इसे वेज एंड डैश फॉर्मूला में किस तरह से अरेंज करना है, तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर कार्बन आइटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा 109 डिग्री। ओके, 28 डिग्री का जो ये जो एंगल है वो होगा उस तरह से। तो अगर ये हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज कर ले तो हम किस तरह से करना है, देखिए पर है। ओके, तो अगर यही स्ट्रक्चर आपको अगर प्लेन पेपर पर
निकालना है। देखिए मैंने भी यहीं पर लिया है, ओके। अब देखिए ये जो क्लोरीन है ये इस तरह से तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसे इस तरह से डस्टर लगाकर क्लोरीन को यहाँ पर रखकर तो नहीं दिखा पाऊंगा, या फिर इस डस्टर को इसके पीछे ले जाकर हाइड्रोजन को यहाँ पर रखकर तो नहीं दिखा पाऊंगा इस प्लेन पेपर पर। इसीलिए आपको वेज एंड डैश फॉर्मूला जो है वो यूज करना है उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये आपकी आंखों के सामने है और उसी के पीछे यानी ये अगर ये प्लेन पेपर होगा तो ये सामने की तरफ ये क्लोरीन यहाँ इस तरह से आ रहा है, ओके, इस तरह से आ रहा है। और ये जो है हाइड्रोजन ये इस बोर्ड के पीछे है, इस बोर्ड के पीछे है, तो ये आप नहीं देख पाओ क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही देख पाएंगे, ओके। ये तो आपकी आंखों के पीछे है तो ये आप नहीं देख पाओगे, ये बोर्ड के पीछे है, ये आप फिलहाल के तौर पर अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो प्लेन दिख रहा है, वो सॉलिड लाइन दिख रहा है, ये तो प्लेन पेपर ही है, सामने ही आपके इस तरह से, ये तो आपके सामने ही है, इसलिए इसे सीधा हमने दिखा दिया है सॉलिड लाइन से, ओके। तो ये हुआ स्ट्रक्चर वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो कोई अगर आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको इसी तरह से वेज एंड डैश फॉर्मूला से दिखाना है। अब ये जो वेज यानी कि क्या है, ये जो एटम या ग्रुप है ये आपके आंखों के सामने है, और ये जो डैश है, ये डैश इसका मतलब क्या है, ये जो आंखों के सामने जो कुछ एलिमेंट आपके होगा उसके पीछे, यानी ये सेंट्रल एटम के पीछे, इस तरह से भी कह सकते हो, इस तरह से भी कह सकते हो, ये जो सेंट्रल एटम है उसके पीछे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर फिलहाल बना हुआ है, जिस तरह से बना हुआ ये क्लोरीन है आगे की तरफ, बीच में ये कार्बन है और ये पीछे की तरफ हाइड्रोजन, तो फिलहाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, यानी क्लोरीन है, क्लोरीन के पीछे कार्बन है, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लेन पेपर पर हम दिखा नहीं पाते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो तरीका है वो डिस्कवर किया गया, उनमें से एक तरीका है वेज एंड डैश फॉर्मूला, ओके। तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है वेज एंड डैश फॉर्मूला दिखाने के लिए, ओके। सो ये हुआ वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से पहले हमने वेज एंड डैश फॉर्मूला क्यों देखा है, ओके। अब सीधा सवाल है, आप यहां पर देख सकते हैं ये वेज एंड डैश फॉर्मूला कितनी कठिनाई से भरा हुआ ये स्ट्रक्चर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कौन आगे है, क्लोरीन आगे है तो उसके पीछे कौन है, कार्बन है, उसके पीछे कौन है, हाइड्रोजन है, ओके, ऊपर की तरफ कौन है, ये है, साइड में कौन है, ये है, इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर हम क्यों निकाल रहे हैं, इससे सिंपल तरीका कुछ है जिससे हम ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि कहां पर क्लोरीन है, कहां पर हाइड्रोजन है, कहां पर ये ग्रुप है और कहां पर ये ग्रुप है, इससे भी कोई सिंपल तरीका है। यही सोचकर फिशर जो है यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक तरीका डिस्कवर किया गया है जिसे कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसे कहा गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब उनका कहना क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन को बॉन्ड कितने होते हैं, 4, सेंट्रल एटम अगर कार्बन है तो कार्बन को बॉन्ड कितने हैं, उसकी वैलेंसी कितनी है, हाइयर वैलेंसी कितनी है, 4, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो सिंपल तरीका है ना, कार्बन को मत दिखाइए, आप सीधा एक क्रॉस कर लीजिए इस तरह से, तो यहां पर एक क्रॉस बन चुका है। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है, तो देखिए ये जो बीच में यहां पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जो दो लाइन है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन वो
वर्टिकल लाइन। अब ये जो इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है, यही कार्बन एटम है। फिशर का कहना है यही कार्बन एटम है। हम कार्बन एटम को नहीं दिखाएंगे सी करके, इस तरह से हम ये जो है सी बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस कर दिया, यही जो पॉइंट है यही कार्बन है, समझ लीजिए। तो अब ये क्या है, तो ये फोर बॉन्ड्स है। अब ये जो फोर बॉन्ड्स है किसके साथ है, अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जिस तरह से कार्बन यहाँ पर आपने डॉट से दिखा दे, क्योंकि वहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, अब यहाँ पर कैसे दिखा है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से नहीं दिखा पा रहे तो आप क्या करिए, जो एटम्स है, ग्रुप्स है, उसे दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन है, सॉरी CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है CH2 CH3 है, फिर यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर क्या है क्लोरीन है। ओके, तो यही हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक क्रॉस कर दिया, बॉन्ड को क्रॉस कर दिया, बीच में जो है कार्बन समझ लिया, और ये जो एटम्स है क्लोरीन हाइड्रोजन CH2 CH3 CH3, ये जो है ये इस तरह से अरेंज कर दिया। तो यही हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, ये किस तरह से आ चुका है, क्यों इसे इस तरह से लिखा गया है, तो ये भी कंसेप्ट लिखा गया है, बताया गया है। तो किस तरह से सुनिए, तो देखिए हमने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था बेस डैश, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है फिलहाल, और आप यहां से देख रहे हैं। ओके, अब समझ लीजिए आपकी आंखें यहां पर है, यानी आप यहां से देख रहे हैं, यानी कि मैं आप इस तरह से यहां से देख रहा हूं इस कार्बन की तरफ, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन है वो इस तरह से होगा। ओके, लेकिन ये जो इस तरह से, ये कुछ ना कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई, यानी ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। ओके, क्योंकि ये पीछे चला गया और ये आगे है, अगर ये क्लोरीन है तो ये आगे है, ये हाइड्रोजन है तो ये पीछे है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इस तरह से बना हुआ है, यानी ऊपर की तरफ आ गया। तो जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखा रहा है कि ये जो दो एटम्स या ग्रुप्स होंगे वो आगे की तरफ इस तरह से, यानी इस तरह से ये आगे की तरफ आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो आप कहां से, यहां से देख रहे हैं इस कार्बन की तरफ, यहां से देख रहे हैं, यानी ये इस तरह से आपके सामने दिखेंगे ये बॉन्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दो एटम्स या ग्रुप्स है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अब ये CH2 CH3 और ये जो CH3 है ये किस तरह से है, ये इस तरह से पीछे की तरफ, यानी इस तरह से ये पीछे जाती है इस तरह से, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो तो ये देखिए CH2 CH3 ऊपर की तरफ है, CH3 यहाँ पर नीचे की तरफ है, लेकिन ये आपकी आंखें यहां पर है, अगर आपकी आंखें यहां पर है, यहां से आप देख रहे हो, यानी कि ये आगे की तरफ आपकी तरफ वाले और ये पीछे की तरफ चले गए हैं, यानी वर्टिकल लाइन जो होगा वो वर्टिकल लाइन क्या दिखा रहा है, वर्टिकल लाइन ये दिखा रहा है ये जो आइटम्स और ग्रुप्स हैं ये पीछे की तरफ इस तरह से आ रहे हैं, यानी जो आपकी आंखों के सामने है वो इस तरह से आ रही, और जो आपके यानी कि नजरों के पीछे है, यानी कि जो एटम्स जो है वो वर्टिकल लाइन में होंगे यहाँ पर, वो इस तरह से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यही सिंपल फंडा है इसका। और इसे ये तो एक तरह से टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो यहाँ से देख रहे हो, ओरिजिनल आपको सब तरफ से देखना है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, अगर आप पूरी तरह से सब तरफ से आप देख पाओगे तो ही वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में फिशर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर उसी को देखा गया है, इसमें उन्होंने वेज डैश फॉर्मूला जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसे सिंपल बनाने की कोशिश की है, उसे सिंपल बनाने की कोशिश कर दी, और ये तरीका बहुत बहुत ही यूजफुल रहा है, क्योंकि आगे इससे भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जितने एटम्स ग्रुप मॉलिक्यूल्स बनेंगे बढ़ेंगे उतना ही स्ट्रक्चर डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेंगे तो आपको उसे
जब रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट करना भी मुश्किल हो जाए। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है उसी समय पर यूजफुल हो गया जब कोई डिफिकल्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है। फिलहाल तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है तो आप सोच रहे हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब जब कोई डिफिकल्ट स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इजी स्ट्रक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। तो यही है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, और इससे पहले हमने देखा है वेज एंड डैश। सो यहाँ पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट वीक।